एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का मैथ लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट लेक्चर है ये 10th क्लास का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके बारे में आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे उर्दू में हम दो दर्जी मसावात भी कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन है x की पावर 2+1। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो x की पावर है, x यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो x की पावर है वो मैक्सिमम 2 आ रही है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आए, 2 से ज़्यादा ना आए। यानी कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन इस तरह होती, x3+1 = 0, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह मेरे पास अगर एक इक्वेशन होती x+1 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल वो इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 आए, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो बुक के मुताबिक हम डेफिनेशन को देखते हैं, जो आपकी बुक ने डेफिनेशन की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वेयर ऑफ द अननाउन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो इक्वेशन है उसका स्क्वेयर, स्क्वेयर 2 को कहते हैं, यानी कि जो अननाउन वेरिएबल है उसका स्क्वेयर आए, यानी कि उसकी पावर 2 आए। यानी कि अगर इसे देखें x 2+1, तो यहाँ पर अननाउन वेरिएबल x है और ये इसका स्क्वेयर आ रहा है। यही बात वो कह रहा है, एन इक्वेशन विच कॉन्टेन, एक ऐसी इक्वेशन जो मुश्तमिल हो द स्क्वेयर, स्क्वेयर के ऊपर, किसके स्क्वेयर के ऊपर, ऑफ द अननाउन वेरिएबल, एक अननाउन वेरिएबल के स्क्वेयर के ऊपर मुश्तमिल हो। तो x यहाँ पर अननाउन वेरिएबल है, बट नो हायर पावर, लेकिन उसकी जो पावर है वो ज्यादा ना हो, इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उसे हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो दो दर्जी मसावात की अब प्योर जो डेफिनेशन है उसे हम देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो बुक ने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, आम तौर पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, ax2+bx+c। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सबसे पहले एक्स की पावर 2 आती है प्लस बी एक्स, फिर एक्स की पावर में से ए कम हो जाती है, मतलब यहाँ पर एक्स की पावर 2 थी, यहाँ पर एक्स की पावर 1 रह गई, फिर प्लस सी, एक्स की पावर यहाँ पर 0 रह गई। यानी कि 2 से स्टार्ट हुई, एक कम कर दिया, एक्स की पावर 1 रह गई, 1 में से एक कम कर दिया, एक्स की पावर 0 रह गई, = 0। ए एक्स की पावर 2+बी, एक्स के ऊपर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इसे आप इग्नोर कर दें, एक्स की पावर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, = c। तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहते हैं कि ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जबकि इसमें जो ए बी और सी हैं इनसे मुराद कांस्टेंट हैं, ये लिटरल हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मसलन अगर ए की वैल्यू 4 हो, बी की वैल्यू हमारे पास 3 हो और सी की वैल्यू हमारे पास 1 हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? ए की जगह पर हम पुट कर देंगे 4x² एज इट इज प्लस बी की जगह पर इसकी वैल्यू 3x एज इट इज प्लस सी की जगह पर इसकी वैल्यू 1 = 0। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, फिर ए कम हो जाती है और फिर इस तरह कम होते होते एक्स ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही बात वो कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड द जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वियर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। और कह रहा है कि ए सिफर नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ए सिफर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए सिफर हो गया तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है,
एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कह रहा है कि ए सिफर नहीं होना चाहिए, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए सिफर क्यों नहीं होना चाहिए? हम ए को सिफर करके देखते हैं कि ए को सिफर करने से क्या होगा। अगर ए की जगह पर हम सिफर कर दें तो ए सिफर हो गया, एक्स की पावर टू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए सिफर, सिफर को जब हम एक्स की पावर टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिफर जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसे सिफर बना देता है। तो ये रकम तो सिफर हो गई, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एक्स की पावर टू तो इसमें से ख़त्म हो गया। हमने क्या कहा था, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू आए इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें तो एक्स की पावर टू है ही नहीं, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे नहीं कहेंगे? तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा कि ए सिफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए सिफर हो गया तो एक्स की दो तो ख़त्म हो जाएगा, जब एक्स की दो ही ख़त्म हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है? अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें एक्स की पावर टू आ रही है, लेकिन अगर देखें तो इसमें एक्स की पावर वन भी तो आ रही है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है लेकिन प्योर नहीं है, खालिस क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट हो गई है, किसकी, एक्स की पावर वन की। अगर इसमें एक्स की पावर वन ना होता, सिर्फ एक्स की पावर टू ही होता, यानी कि वेरिएबल की पावर सिर्फ टू होती, वेरिएबल की पावर वन ना होती, तो हम कहते ये क्वाड्रेटिक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें एक्स की पावर सिर्फ टू आएगी, वन नहीं आएगी। यानी कि अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है, इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी को सिफर कर दिया जाए तो क्या होगा देखते हैं। ए एक्स स्क्वेयर, वो कह रहे हैं कि बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी को सिफर कर दो। जब बी को सिफर कर देंगे प्लस इसको सिफर करेंगे, एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एक्स स्क्वेयर जब ज़ीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है, यहाँ पर एक्स की पावर टू आ रहा है लेकिन एक्स की पावर वन नहीं आ रहा, इसीलिए ये जो चीज़ बनी है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर बी को सिफर कर दिया जाए देन इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी की बुनियाद पर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, हमने बताना है कि जो आंसर आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये रकम हमें दी गई है। अब हम इस रकम को चेक करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है और जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी हम बताएंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक बनी है या कि ये क्वाड्रेटिक बनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सबसे पहले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स की पावर टू हो जाएगा, उसके बाद एक्स को माइनस थ्री, यानी कि इसको पहले रुकन के साथ भी करना है और इसको सेकंड के साथ भी करना है। एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वेयर, एक्स को माइनस थ्री से करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स। अब सेवन की बारी, यानी कि एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स को सेकंड वाली से भी मल्टीप्लाई कर दिया,
अब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी -21 इज इक्वल टू -7। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x प्लस के 7x, 7x में से माइनस के 3x निकाल देंगे तो प्लस के 4x रह जाएंगे, -21 एज इट इज आ गया, ये इधर हमारे पास माइनस का 7 है, इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास प्लस का 7 हो जाएगा, और जहां पर बराबर के दूसरी साइड पर कुछ नहीं रहा, जहां पर कुछ ना रहे वहां पर 0, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x -21 में से 7 निकाल दो, तो यहां पर 21 में से 7 निकाल देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी लास्ट में, ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक है? तो अगर आप देखें इसमें एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें मिलावट है क्योंकि एक्स की पावर 1 भी आ गई है। तो जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन हमें दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है, थर्ड पार्ट की तरह है। एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 6 के। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ओवर वाली रकम को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो एक्स प्लस 1 और ये एक्स, ये दोनों रकम हमारे पास एलसीएम आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हमने, सॉरी, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 से इज इक्वल टू 6। तो यहां पर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर प्लस इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वेयर, एक्स को वन के साथ करेंगे प्लस एक्स, प्लस वन को एक्स से करेंगे एक्स, वन को वन से करेंगे प्लस 1, और ओवर में हमारे पास ये जो बाहर एक्स एक्स है इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को वन के साथ करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6 के। उसके बाद हमारे पास एक एक्स स्क्वेयर ये है और एक एक्स स्क्वेयर ये, 2x² हो गए, और एक एक्स ये हमारे पास 2x हो गए प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 के। इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हमारे पास 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सारी रकम यहां पर डिवाइड हो रही थी, इधर 6 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के साथ, और जहां पर 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, 6 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस 6 को एक्स से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x। उसके बाद हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेकर आएंगे, क्या करें आप इन रकमों को दूसरी तरफ भेज दें या जो दूसरी तरफ है उन्हें इस साइड पर ले आएं, तो क्या होगा, मैं इन रकमों को दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो 6x² प्लस 6x, जब इसे इधर भेजूंगा ये 2x² है, इधर आकर -2x² हो जाएगा, ये प्लस का 2x है दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है दूसरी तरफ भेजूंगा माइनस का 1, इधर कुछ नहीं रहा, जहां कुछ ना रहे इधर हम सारी रकमों को ले आए, इधर हमारे पास 0 रह गया। उसके बाद हमारे पास 6x² में से
टू एक्स स्क्वेयर ये माइनस कर देंगे तो यहां पर रह जाएगा फोर एक्स स्क्वेयर, ये सिक्स एक्स, ये माइनस टू एक्स, सिक्स एक्स में से टू एक्स निकाल देंगे तो ये भी हमारे पास रह जाएगा फोर एक्स, और उसके बाद हमारे पास जो रकम बची वो सिर्फ माइनस वन है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसमें एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्योंकि इसमें एक्स की पावर वन भी है और एक्स की पावर टू भी है। तो लिख देंगे जो इक्वेशन बनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना के प्योर क्वाड्रेटिक। पर वन है उसके हम लास्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं बिल्कुल। अगर समझ कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे कमेंट कर दे, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों रकम हमारे पास एलसीएम आ जाएंगी, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस रकम को इस रकम के साथ और इस रकम को इस रकम के साथ, यानी कि x प्लस वन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस थ्री को, प्लस x प्लस टू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस टू को, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 25/12। तो अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे x को x के साथ, सिंपल मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो x को x के साथ एक्स स्क्वेयर, x को 3 के साथ 3x, प्लस 1 को x के साथ x, प्लस 1 को 3 के साथ 3, प्लस x को x के साथ एक्स स्क्वेयर, फिर x को 2 के साथ प्लस 2x, फिर 2 को x के साथ 2x, और फिर 2 को 2 के साथ प्लस 4। इसी तरह ओवर में x को x के साथ एक्स स्क्वेयर, प्लस x को 3 के साथ 3x, प्लस 2 को x के साथ 2x, फिर 2 को 3 के साथ प्लस 6, इज इक्वल टू 25/12। हमने क्या किया, एलसीएम लेकर तमाम रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर, एक एक्स स्क्वेयर ये है, तो ये हमारे पास हो गए 2x स्क्वेयर, उसके बाद 3x और 1x ये 4x हो गया, उसके बाद 2x ये 6x और 2x ये, तो ये हमारे पास टोटल हो गए 8x। उसके बाद हमारे पास 3 और प्लस 4 ये हमारे पास हो गए 7, यानी कि हमने एक्स स्क्वेयर वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया, एक्स वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया और बगैर एक्स वाली रकमों को एक साइड पे कर लिया। और में हमारे पास एक्स स्क्वेयर, 3x और 2x ये हमारे पास हो जाएगा 5x और प्लस 6 ये हमारे पास एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 25/12। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस सारी रकम को इस रकम के साथ और इस सारी रकम को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 7 और 25, ये सारी रकम 25 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 24, 12 टू द 24 एक्स स्क्वेयर प्लस 12 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 द 16 और ये 96 बनेगा हमारे पास एक्स एज इट इज, प्लस 12 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 84, इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 125x प्लस 150। उसके बाद इन सारी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, या उन रकमों को इस तरफ ले आएं, हम जो इधर रकमें हैं इन सारी रकम को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 25x स्क्वेयर प्लस 125x और प्लस 150, ये सारी रकम एज इट इज आ गई, इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये इधर प्लस का 24 है, इधर माइनस का 24x स्क्वेयर, ये इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएंगे माइनस 96x, ये इस तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 84, इधर हमारे पास कुछ नहीं रहा इसलिए हम दूसरी तरफ ज़ीरो लगा देंगे, तो 25x स्क्वेयर में से 24x स्क्वेयर निकाल देंगे तो 1x स्क्वेयर रह गया, 125 में से हम
96x निकाल देंगे तो ये हमारे पास रह जाएंगे प्लस 29x, क्योंकि एक्स स्क्वेयर वाली रकम को एक्स स्क्वेयर वाली रकम से माइनस करेंगे और एक्स वाली रकम को एक्स वाली रकम के साथ और बगैर एक्स वाली रकम को बगैर एक्स वाली रकम से माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर वाली रकम से मैं इसमें माइनस किया, एक्स वाली रकमों को आपस में माइनस किया और ये बगैर एक्स वाली रकम है इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 150 में से 84 निकालेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 66 इज इक्वल टू जीरो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले एक्स स्क्वेयर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर बगैर एक्स वाली रकम। तो हमने जब इसे फाइनल सॉल्व किया तो हमने देखा इसमें एक्स स्क्वेयर भी आ रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं इसमें एक्स भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स भी आ गया और एक्स स्क्वेयर भी आ गया। अगर एक्स एक्स ना होता, अकेला एक्स स्क्वेयर होता तो हम कहते ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में मज़ीद आगे इसे एलेबोरेट करेंगे। इसे कीजिए, इसमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम के रिलेटेड दोबारा से वीडियो बना के अपलोड करूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।